बस अनन्या, बहुत हो गया रोना, टाइम आ गया स्कोर सेटल करने का। रॉनी हमारी ताकत है, हमें लड़ना है रॉनी के लिए, तुम्हारे पापा के लिए। आगे अरमान, अंदर जाओ। यस। अनन्या तो ठीक ही होगी। और अनन्या, कबीर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने चैनल की बिजनेस हेड को एटलीस्ट लूप में रखना चाहिए, स्पेशली जब तुम इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज रन कर रहे हो, इतना बड़ा खुलासा कर रहे हो। Well, after all, news channel एक business है, तो मुझे अपने sponsors को जवाब देना होता है। खुलासे तो बहुत से होने वाले आने वाले दिनों में श्रेया, कौन सा बताओ? चलो एक बहुत बड़ी और important story जो मैं break करने जा रहा हूँ, वो बता देता हूँ तुम्हें एडवांस में। KKN के इनपुट एडिटर और प्रोड्यूसर रॉनी सिंह के मर्डर में KKN की बिजनेस हेड का हाथ था। वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। क्या जाकर बता दो अपने स्पॉन्सर को। What nonsense! तुम बकवास कर रहे हो कबीर। चिल्लाना यहाँ से बाहर जाके श्रेया, मुझे अपनी बातें दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी वॉर्न किया था कि मेरे रास्ते में मत आना श्रेया, मैं जंग लड़ रहा हूँ और मुझे रोकने का सिर्फ एक तरीका, जिस तरह रॉनी को जान से मारा था मुझे भी मारना पड़ेगा। आई और बात कि सच फिर भी सामने आएगा, तुम और आरजी बहुत जल्द एक्सपोज होने वाले हो, आई प्रॉमिस यू। अब बैटिंग मैं कर रहा हूं और तुम नो बॉल डाल चुके हो। एंड बाय द वे, अनन्या बहुत अच्छी, मच मच बेटर। ठीक है अरमान, मैं चलता हूँ, यू बी केयरफुल। कबीर अपना ख्याल रखना प्लीज, जंग में जुनून कभी कभी सेल्फ डिफीटिंग हो सकता है, और आरजी कभी खुले शेर की तरह है। कल के तुम्हारे खुलासे के बाद तो वो मिसेस कश्यप, आप ये तो मानती है ना कि मुझे अनन्या की जान की फिक्र है। हाँ कबीर, बट तो मुझे तो अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी जान अनन्या की जान से जुड़ी है। डोंट वरी। कहा था कि इस लड़ाई में हम साथ हैं, और आप मुझे ही भूल कर जा रहे हैं। चलें।
अनन्या, वेलकम बैक. आई एम सो ग्लैड यू बैक. आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई एम श्योर. आई अंडरस्टैंड. रियली? कैसे? क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ. एक जो मेरा दोस्त था वो तो चला गया श्रेया, बाकी कुछ लोग हैं मेरे साथ, पर तुम मेरी दोस्त नहीं हो. इनफैक्ट तुमसे दोस्ती करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी. और अब मैं लौट आई हूँ तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम और तुम्हारा दोस्त मुझे ठिकाने लगा सकते हैं, शायद इस बार समझदारी से. बट लेट मी इन्फॉर्म यू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब मेरे पास दो गार्डियन एंजल्स हैं, एक मेरे पापा और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड रॉनी. एक के मर्डर में तुम्हारा दोस्त इन्वॉल्व है और दूसरे के मर्डर में उसके साथ तुम भी. अनन्या, तुम्हारी आंखों में मुझे अभी से हार दिख रही है, बट इन आंखों में मैं शर्म और डर भी देखना चाहती हूँ, और देख कर रहूंगी मैं. यही बताने आई थी, मैं सिर्फ लौटी नहीं हूं, इस बार इस कहानी को खत्म करने के लिए लौटी हूं. बहुत हो गया अब, बस. बस, और फिर वो अचानक चिल्लाकर उठ पड़ी. ऐसा लगा जैसे कि वो एक्सीडेंट वाला मोमेंट उसके दिमाग में फ्रीज हो गया था जब वो शॉक में गई थी, और उसके बाद जब वो होश में आई तो मानो किसी ने पॉज के बटन पर से उंगली उठा दी. चिल्लाकर उठी और रोने लगी. वेल, आई एम ग्लैड कि रॉनी के साथ जो हुआ एटलीस्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया. सो हाँ खालिद, रात भर तो वो इमोशनल थी, लेकिन जब सुबह वो उठी तो उसने मुझे भी सरप्राइज कर दिया. मिस कश्यप तैयार थी भैया अपने पुराने कॉन्फिडेंस के साथ और एक नई ताकत के साथ. दैट्स वेरी गुड. पर मिस कश्यप है कहाँ? श्रेया से मिलने गई है. ऑफिस एंटर करते ही उसने कहा कि सबसे पहले उसे जाकर अपना मुंह दिखा दूं. हाँ लक्ष्मण. हाँ, तुम डायरेक्टली ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ. ओके. ओए, आ गए तू? आज अभी वहाँ पहले हैं. ये मेरी वाली, अरे रॉनी भाई वाली. कैसे हो तुसी? तू ठीक तो है ना? वो तो हो गया, अब बस रुलाना है. वो भी खून के आंसू. तुसी बड़े फिल्म में हो रहे हो. संगत का असर है बीबी जी. ऐसा मैं नहीं, अगर रोनी भैया होते तो वो कहते है ना अनन्या. कहां से शुरू करूं? ओके. तुम्हारे डिवोर्स के बाद श्रेया 6 महीने तो गायब थी. हाँ, वो अपने मामा के पास देहरादून में. राइट. और देहरादून में उसकी मुलाकात डॉक्टर दास से हुई, फिर देहरादून से वापस आने के बाद धीरे धीरे वो अपनी लाइफ फिर से जीने लगी, पार्टीज और काम, रिलेशनशिप्स. अगले 2 साल के अंदर उसके 3 से 4 रिलेशनशिप्स रहे, लेकिन कोई भी ज़्यादा टिका नहीं, और ये ब्रेकअप्स भी बहुत बुरे हुए थे. नतीजा, श्रेया का खुद का ब्रेकडाउन.
और फिर उसे वापस देहरादून जाना पड़ा और वहां उसे डॉक्टर दास से मुलाकात करनी पड़ी। मतलब डॉक्टर दास एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं और श्रेया वहां उनसे अपना इलाज कराने के लिए गई थी, वो भी सिर्फ डिप्रेशन का ही नहीं एंजाइटी डिसऑर्डर का भी। कहते हैं कि श्रेया का सिर्फ नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था लेकिन डॉक्टर दास के द्वारा मैंने एक डिप्रेसिव पर्सनैलिटी करार दिया गया यानी कि बाइपोलर, जिसमें मूड स्विंग्स मूड शिफ्ट्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं। एक पल आप खुश हो और दूसरे ही पल आप रो रहे हो सकते हो और तीसरे ही पल हो सकता है कि आप किसी को मारने भी लगें यानी कि वायलेंट होना। श्रेया साइकेट्रिक वार्ड में कई महीनों तक एडमिट थी और फिर उसकी दवाइयाँ आज भी जारी हैं। अभी भी? हाँ अभी भी, एकदम पक्की खबर है। बस चक्कर ये है कि डॉक्टर दास देहरादून से कहीं और शिफ्ट हो गए और मैं बस उन्हीं का पता लगाने में लगा हुआ। इसका मतलब है कि श्रेया उसका कोई भरोसा नहीं। ऐसे बीमार लोगों का खुद के एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, जब दौरा पड़ता है तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं और किसी के साथ भी, हो सकता है खुद के साथ, सच कहूं तो खून भी कर सकते हैं। तो अब वो देहरादून हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स, डॉक्टर दास का प्राइवेट हॉस्पिटल था और वो सारे रिकॉर्ड्स अपने साथ ले गए। वो एक हाई प्रोफाइल डॉक्टर हैं और काफ़ी महंगे भी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने प्राइवेसी की भी कीमत ली होगी, तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं। अनन्या, अगर हमें सबूत मिल जाता है, अगर हमें प्रूव कर देते हैं कि श्रेया बाइपोलर है अंडर मेडिकेशन है, तो केएल उसे केकेएन में टिकने नहीं देगा। कबीर भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे हाथ सबूत लगता है सबसे पहले मैं आपके पास हूँ। थैंक यू लक्ष्मण, ये तुम्हारा मुझ पर एक और। अरे प्लीज, अब ये मत कहिए कि एहसान किया है। बाय अनन्या। अनन्या, अगर श्रेया को रिजाइन करना पड़े तो उसका असर आरजी पर भी पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो वो श्रेया के कंधे पर रखकर ही बंदूक चला रहा है कुछ हद तक। अगर श्रेया रास्ते से हट गई तो सिर्फ आरजी पर कॉन्सेंट्रेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं रिचा, सनी, बेबी सबसे कह देती हूँ, सब हमारी हेल्प करेंगे। ओके। ओह माय गॉड, सच में? पर सबसे पहले हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। हाँ, देहरादून में ना मेरे मास्टर जी का घर है, काफी बड़ी और पुरानी फैमिली है उनकी, वहां पर हम लोग उनसे बात कर सकते हैं और ये डॉक्टर दास के बारे में भी पता कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बताओ? श्रेया पर नजर, अगर अभी भी गोलियां खाती है तो। हाँ, हम उसकी गोलियां बरामद कर सकते हैं। और वो गोलियां मिलती कहां से उसे? अगर उसके नाम का प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए तो सबसे बड़ा सबूत होगा हमारे लिए। मुझे तो पता है क्या लग रहा है, जैसे मैं कोई बॉलीवुड मूवी कर रही हूँ और मुझे विलेन का पर्दाफाश करना है ना? और मैं तेरा हीरो। बस अब तो श्रेया की गड्डी पटरी से उतरनी उतरनी है। हाँ, थैंक यू सो मच गाइस। बस तुम लोग जो भी करो प्लीज बहुत ध्यान से करना, केयरफुल रहना, क्योंकि श्रेया बहुत डेंजरस है और आरजी तो उससे भी ज्यादा। वो कितना डेंजरस है ये तो हम सब देख ही चुके। मैडम, मुझे कुछ कहना है। बोलो। मैं भी आपके साथ हूँ, मेरे लायक कुछ भी हो तो मुझे बोल देना, रोनी भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता। जरूर, थैंक यू राव। Excuse me, everybody. Khalid. Good, तुम अपने कैबिन में हो।
समीर राय, राकेश गुप्ता फार्मा के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कबीर, समीर, समीर, कबीर, कबीर शर्मा, केकेएन के एडिटर इन चीफ। हाय कबीर, मैं यहाँ पर राकेश गुप्ता फार्मास्यूटिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कल रात केकेएन के बुलेटिन में हमारे बारे में, हमारे खिलाफ काफी कुछ कहा गया। वो सारी बातें सरासर झूठी हैं, बेबुनियाद हैं और बेहद अपमानजनक है। और मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली हमारे खिलाफ एक साजिश है, हम पर इल्जाम लगाए गए। मेरे पास उसका ट्रांसप्रिंट भी है। मतलब मैंने जो कहा उसे आपने पेपर पर लिख लिया। वेरी गुड, बहुत टाइम है आपके पास। कबीर, ये सीरियस है। देखिए मिस्टर कबीर, किसी भी मरे हुए व्यक्ति द्वारा लिखा गया लेटर इसके कोई मायने नहीं होते। इसे कहीं भी किसी भी तौर पर सबूत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कुछ भी लिख कर जा सकता है। और मुझे आप एक बात बताइए, आपके पास क्या प्रूफ है कि वो जो लेटर लिखा गया था वो मिस्टर सुधीर कश्यप ने ही लिखा था? जाने से पहले किसी का दर्द अगर आपको तकलीफ दे, किसी के आंसू अगर आपको रुला दे, किसी का गम अगर आपकी खुशी छीन ले, किसी की खुशी अगर आपको खिला दे, किसी के सपने अगर आपको सोने ना दें, किसी की नींद अगर आपको सुकून दे, तो जनाब प्यार है, बहुत प्यार है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.